Assalamualaikum, second year. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it's Dr. Mariam here. So today we are going to start our third practical of biochemistry. Okay? Kya kar rahe hain? Aaj hum kar rahe hain blood sampling and techniques. Okay, so today you are going to learn how to draw a sample of blood from a patient. ठीक है, कैसे draw करना है, उसका सारा procedure क्या है, start से लेके end तक. ठीक है, and what is the equipment that we require for blood sampling. ठीक है, let's move on to types of blood specimens. ठीक है, हमारे पास तीन तरह के blood specimens होते हैं. एक तो हम venous blood as a specimen collect कर सकते हैं. Whenever you are going to collect venous blood, उस सारे procedure को हम कहते हैं venipuncture. ठीक है, सेकेंड स्पेसिमिन आप आर्टरी से कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आर्टीरियल ब्लड स्पेसिमिन, व्हेनेवर वी ड्रॉ आर्टीरियल ब्लड उसको हम या आर्टीरियल टैप कहते हैं या हम कहेंगे आर्टीरियो पंक्चर. ओके, थर्ड सॉर्ट ऑफ जो हमारे पास ब्लड स्पेसिमिन है वो है कैपिलरी ब्लड स्पेसिमिन. ठीक है, अच्छा, अब वीनस ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए आप हर किसी वेन को प्रिक करके उससे ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस साइट्स. ठीक है, जहां से आपने एग्जामिन करके देखना होता है कि इन साइट्स में से कौन सी बेस्ट पॉसिबल साइट होगी इस पेशेंट के लिए, जहां पे विजिबिलिटी और एक्सेस जो है आपको वेन्स की लग रही है वो ज्यादा आसान. ठीक है, जो लिस्ट आपके सामने आ रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन साइट जो आप एग्जामिन करेंगे विनिपंक्चर के लिए वो है मीडियन एंटीक्यूबिटल वेन्स. ठीक है, दीज आर द वेन्स दैट आर इन क्यूबिटल फोसा. ठीक है, और बहुत इजीली प्रोमिनेंट हो जाती है थोड़ा सा प्रेशर टॉनिक वे से अप्लाई करने से. ठीक है, सेकेंड हमारी जो प्रेफरेंस साइट है दे आर डॉर्सल हैंड वेन्स. अगेन आपको अगर मीडियन एंटीक्यूबिटल वेन बहुत अच्छी विजिबल नहीं हो रही, जैसे ओल्ड पेशेंट है, बहुत कोई मॉर्बिडली सिक पेशेंट है, तो उसमें आप सेकेंड नंबर पे डॉर्सल हैंड वेन्स को एग्जामिन करेंगे. ठीक है, डॉर्सल हैंड वेन्स भी बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट होती है. इवन अगर आप अपने हाथ पे थोड़ा सा रिस्ट के जो है अप्रोक्सिमल प्रेशर अप्लाई करके देखें तो आपकी डॉर्सल हैंड वेन्स आपको ईजिली नजर आएंगे. ठीक है, डॉर्सल हैंड वेन्स और मीडियन एंटीक्यूबिटल, ये 95% ऑफ द पेशेंट्स में हम इन दोनों में से एक साइट पे प्रिक करके सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं. इन केस यू कैन नॉट फाइंड दीज वेन्स तो हमारे पास थर्ड प्रेफरेंस होती है फुट वेन्स की. ठीक है, विच इज अ रेयर कंडीशन. उसके बाद हमारे पास होती है ऑप्शन सबक्लेवियन वेन्स की. दीज आर द वेन्स योर डीप नेक वेन्स. ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास होती है फेमोरल वेन ऑप्शन. ठीक है, क्लियर अप टिल नाउ? यस मैम. यस मैम. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आर्टीरियल टैप. ठीक है, वेनिपंक्चर की हमने बात कर ली, अब हम आर्टीरियल टैप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं. हमारे पास दो साइट्स हैं, रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी कहाँ पे मिलेगी हमें? यस मैम, रेडियस बोन में. रेडियस बोन में मैम, लैटरल एस्पेक्ट. मैम, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे. ठीक है, ठीक है, गुड. ठीक है, रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं हम टैप, या फिर हम फेमोरल आर्टरी से कर सकते हैं. ठीक है, आर्टीरियल टैप हम यूजुअल इन्वेस्टिगेशंस के लिए नहीं करते, हमें बेसिकली जब किसी पेशेंट में एबीजीज देखने हो सिर्फ तब हम आर्टीरियल टैप करते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैपिलरी ब्लड स्पेसिमन. कैपिलरी ब्लड स्पेसिमन हम मोस्टली करते हैं इन्फेंट्स में या न्यू बॉर्न्स में. ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ न्यू बॉर्न और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले आपने कुछ उस न्यू बॉर्न के स्क्रीनिंग टेस्ट्स करने हैं, तो इतने छोटे बेबीज में आप आर्टीरियल टैप या वेनी पंक्चर नहीं करते. ठीक है, आप हील स्टिक मेथड यूज करते हैं जिसमें एक स्टीराइल लेंसेट से यू जस्ट प्रिक द हील ऑफ द न्यू बॉर्न और यू आर एबल टू ड्रॉ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. ठीक है, दे आर एम्पल अगर आपने उसका ग्लूकोज टेस्ट करना है या इवन कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस टेस्ट करना है. ठीक है, इतना बताना काफी आपको कैपिलरी ब्लड की. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इक्विपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कलेक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए वैक्यूटेनर. ओके,
वैक्यूटेनर क्या है? बेसिकली वैक्यूटेनर इट्स अ ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है, विद अ कलर्ड टॉप. इसमें आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं. ये जो हमारे पास स्पेसिफिकली पर्पल वैक्यूटेनर है, ये हम लेते हैं ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए. मोस्ट कॉमनली यूज्ड जिसमें हम करते हैं सीबीसी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है. नेक्स्ट हमें चाहिए स्टीराइल सिरिंज, ठीक है, टू ड्रॉ ब्लड सैंपल. थर्ड हमें डिसइंफेक्शन के लिए चाहिए ये अल्कोहल स्वैब्स, ठीक है. फोर्थ वी नीड अ टॉर्निकेट टू अप्लाई प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वेन्स प्रोमिनेंट होंगे, अभी आपको करके भी दिखाते हैं, ठीक है. फिर हमें चाहिए डिस्पोजेबल ग्लव्स, देन वी नीड एडहेसिव बैंडेज, ठीक है, जो पंक्चर साइट है उसको एंड में कवर करने के लिए. ओके, नाउ प्रोसीजर टू ड्रॉ ब्लड. सबसे पहले आपने क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू योर पेशेंट एंड टेक कंसेंट ऑफ पेशेंट फॉर प्रोसीजर, ठीक है. वी ऑल नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जब भी आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है या इवन कोई एग्जामिनेशन करनी है आपने पेशेंट पे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है. कंसेंट लेंगे आप, खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप कौन, ठीक है. सेकेंड हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ साइट. अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ साइट हम उसी अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी लिस्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू एग्जामिन एंटीक्यूबिटल फोसा, ठीक है, उसमें वेन नजर आ रही है, गुड एनाफ, ठीक है. फिर आगे हम स्टेप थ्री पे प्रोसीड करेंगे. नहीं नजर आ रही तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है. ये हो गई इंस्पेक्शन ऑफ साइट कि आप डिसाइड करें वेयर यू नीड टू पंक्चर, ठीक है. थर्ड स्टेप हो गया अप्लाई टॉर्निकेट, ठीक है. टॉर्निकेट ये द ब्लू कलर्ड बैंड, ठीक है. इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, आपकी जो डिजायर्ड पंक्चर साइट है उससे 3 to 4 inches अबव हम इसको अप्लाई करेंगे. पेशेंट को बोलेंगे टू क्लेंच हिज और हर फिस्ट, ठीक है. इससे क्या होगा, यहाँ पे जो क्यूबिटल फोसा में आपकी वेन्स हैं जिनको आप प्रिक करना चाह रहे हैं, दे विल गेट मोर प्रोमिनेंट एंड इजिली एक्सेसिबल, ठीक है. यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम. टॉर्निक वे आपने अप्लाई कर दिया, अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू डिसइंफेक्ट द डिजायर्ड पंक्चर साइट. डिसइंफेक्शन का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, ठीक है. यू आर गोइंग टू टेक द अल्कोहल स्वैब और उसके बाद आपने सर्कुलर मोशंस में इस एरिया को डिसइंफेक्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड एंड मूविंग आउटवर्ड, ठीक है. ऐसे क्यों करते हैं, एनीवन कैन कम अप विद सम रीजन, इस तरह डिसइंफेक्शन क्यों कर रहे हैं हम, बाहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, ठीक है. डिसइंफेक्शन हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि जो सेंट्रल पोर्शन है ना जहाँ पे हमने प्रिक करना है उसको सबसे पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, और फिर हम उससे बाहर इस वजह से जा रहे हैं कि जो बाहर वाली स्किन है वो कंटेमिनेट ना करे इस स्किन को, ठीक है. डिसइंफेक्शन हो गई. स्टेप नंबर 5, यू आर गोइंग टू इंसर्ट द नीडल एट सिलेक्टेड साइट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद सरफेस एंड ड्रॉ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ठीक है. आपने सरफेस से नीडल इस तरह साइट पे आपने इंजेक्ट करनी है कि उसका एंगल आपकी सरफेस आपकी स्किन से 45 डिग्री का हो. यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 6. विदड्रॉ द नीडल आफ्टर रिमूविंग टॉर्निकेट, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्रेस द इंजेक्टेड साइड बाय अप्लाइंग फर्म प्रेशर विद कॉटन स्वैब फॉलोड बाय प्लास्टर एप्लीकेशन, ठीक है. सो दिस वाज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ सैंपल ऑफ ब्लड, ठीक है. अब हम एंटीकोएगुलेंट्स देख लेते हैं. एंटीकोएगुलेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा आप मैं समझे? मैम जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते, ठीक है, ठीक है. दीज आर सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड की कोएगुलेशन को, ठीक है. अब ये इन विवो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इन विट्रो भी हो सकते हैं, ठीक है. इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स वो एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो हम एक पेशेंट को दे सकते हैं एज ए मेडिकेशन, ठीक है, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स में. जैसे एक पेशेंट को डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, उसको हम एंटीकोएगुलेंट देंगे, हेपरिन या कोई और वॉल्फ्रिन वगैरह, ठीक है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, आपकी जो लंग्स की ब्लड सप्लाई है
जो वेजल्स हैं उसमें कोई क्लॉट ट्रेवल करके पहुंच गया, ठीक है, उसमें एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, एम आई की सूरत में देते हैं, ठीक है, स्ट्रोक हो गया एक पेशेंट को, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं आई वी या ओरल, ठीक है. अच्छा, एक जो इन विवो एंटीकोगुलेंट है दैट वी हैव इज हेपरिन, ठीक है, इट कैन बी यूज इन विवो एंड इन विट्रो टू प्रिवेंट ब्लड और प्लाज्मा क्लॉटिंग और इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है. हेपरिन हम आई वी फॉर्म में भी पेशेंट को दे सकते हैं, और कुछ वैक्यूटेनर्स होते हैं, ग्रीन टॉप वैक्यूटेनर्स, जिनमें हेपरिन एडेड होता है, उसमें भी हम कुछ ब्लड के ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए हम उस वैक्यूटेनर को यूज करते हैं, उसमें भी हेपरिन यूज होता है. Now let's move on to in vitro anticoagulants. In vitro anticoagulants सारे वो anticoagulants हैं जो आप test tubes में, blood transfusion bags में और renal dialysis की equipment में use कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम anticoagulants क्यों use कर रहे हैं? Because we all know our blood has a natural tendency to coagulate. ठीक है, अगर हम anticoagulants add नहीं करेंगे तो ना टेस्ट ट्यूब्स में ब्लड कोएगुलेशन के बगैर रह सकता है, ना डायलिसिस इक्विपमेंट में रह सकता है, और डायलिसिस इक्विपमेंट फिर फंक्शन ही नहीं करेगा अगर उसमें भी ब्लड क्लॉट हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स वर्क बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयंस प्रिवेंटिंग द कोएगुलेशन प्रोटीन्स फ्रॉम यूजिंग. वी हैव थ्री एंटीकोएगुलेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल EDTA, जो हमारे पास पर्पल टॉप वैक्यूटेनर है उसमें वी हैव एडेड EDTA. And it is most commonly used for CBC and ESR. ठीक है, very important. Second जो है हमारे पास citrate है. Citrate anticoagulant added होता है in blue top vacutainers में. They are used for coagulation tests. ठीक है, PT, APTT perform करने के लिए. Next हमारे पास आ जाता है oxalate. It's added in these gray top vacutainers. ठीक है, and these are used for glucose and अल्कोहल. ये सारे के सारे जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं क्या कर रहे हैं? बेसिकली दे आर बाइंडिंग कैल्शियम आयंस, जिनकी वजह से जो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, और उनकी वजह से सारा वो जो कोएगुलेशन पाथवे होता है वो ब्लॉक हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल अभी तक परफॉर्मेंस देखने से पहले? अस्सलाम वालेकुम. ब्लड सैंपलिंग के लिए सबसे पहले जो ट्रीटमेंट चाहिए हमें, टॉर्निकेट मैम ने आपको बताया हुआ है, ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल अल्कोहल स्वैब, सनीप्लास्ट, ट्यूब डैप, मुख्तलि शेप ट्यूब, पर्पल जेल और रेड. सीरम के लिए हम रेड और जेल यूज करेंगे, और सीबीसी के लिए हम पर्पल यूज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले टोर्निकेट कैसे अप्लाई करना है ये देखें. जब भी किसी पेशेंट का सैंपल लेना है तो उससे बताना है कि भाई मैंने ये आपका सैंपल लेना है इस टेस्ट के लिए, इज ओके है आप. टोनिकेट ठीक है, लॉक देख रहे हैं बच्चे आप टोनिकेट कैसे लगाना है? यस यस जी जी पता चल गया है. ये देखें पोजीशन, लॉक की आवाज आई है? ठीक है, यस सर. उसके बाद सर आई है, उसके बाद थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे. ओके ओके, यस सर. यस सर, अभी इनको कमेंट करना हमने. यस सर. ठीक है, अल्कोहल स्वैब,
जिस जगह से सैंपल लेना है हमने उसको स्टरलाइज करना है, ठीक है? समझ लगी? यस सर। डिस्पोजेबल सिरिंज रैपर को खोलना है, ठीक, नीडल को टाइट करना है, ये निकालनी है, इसे क्या कहते हैं, प्लंजर, ओके, और नीडल के कट को ऊपर की तरफ रख के वेन के ऊपर, नजर आ रहा है? नो सर। नो। ओके, ये देखें, ये नीडल जो है ना उसका जो काट है ना उसको ऊपर रखना है सामने की तरफ, और ऐसे ही वेन पे अप्लाई करना है, और आस्ता से थम ऊपर लगा के प्लंजर को स्लोली खींचना शुरू करना है, जितना रिक्वायर्ड हो, 2 cc 3 cc 4 cc 5 cc तक हम सैंपल ले सकते हैं, ठीक है? के बाद फिर हम इसको प्रेस करेंगे और टॉनिक खुल जाएगा। उसके बाद कोई भी जिसमें हमने रेड ट्यूब है उस पर हम नीडल को कट करेंगे, कट करने के बाद वो सैंपल खुद ब खुद वैक्यूम क्लीनर में चला जाएगा, ठीक है?